नमस्कार, आप देख रहे हैं JNI न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, अब की बार किसकी सरकार। आपको बता दें, चुनाव जैसे ही नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीति उतना ही गर्मी पकड़ती दिख रही है। गलियों में, नुक्कड़ में, पान की दुकानों पर, होटलों पर सिर्फ राजनीति की चर्चाएं ही सुनने को मिल रही है। अब की बार किसकी सरकार, आइए आपको ले चलते हैं खुरदही बाजार में, गली नुक्कड़ में किस तरह की राजनीति चल रही है। हमारे साथ बने रहिए, खबर को पूरा देखिए। वासिल त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं वासिल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं JNI न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूं खुरदही बाजार लखनऊ में, चाय की दुकान पे मौजूद हूं मैं, जहां पे आप देख सकते हैं चारों तरफ राजनीतिक जो चर्चा है धीरे धीरे तेज होती जा रही है, क्योंकि 2022 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, गाँव की गलियारों में, पान की दुकानों में, चाय की दुकानों में, जगह जगह लोग राजनीति, जैसे चाय गर्म हो रही है, चाय ज़्यादा लोग पीने लगे हैं, वैसे वैसे लोग राजनीति की बातें धीरे धीरे तेज कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि यूपी का चुनाव जो होना है उसमें इस बार किसकी सरकार बननी है। दोनों ही पक्ष भारी चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, योगी जी और हमारे अखिलेश यादव जी। कौन सी पार्टी किस पे भारी पड़ेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम लोग चलते हैं जनता की राय देखते हैं कि जनता क्या चाहती है। आइए, दादा क्या नाम है आपका? श्रीपाल यादव। इस बार दादा किसकी सरकार बननी है? अखिलेश की, अखिलेश की सरकार बनाएंगे, इसलिए हम किसान हैं और किसान के साथ हैं, और अखिलेश ही किसान के साथ ही। मोदी ने सब कुछ झूठ बोल के जमीन अंबानी उनका देना चाहते हैं और हम लोगों को परेशान है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि घर में ना इतना महंगा कड़वा तेल है, 240-280, हम गरीब आदमी क्या करें। मोदी ने किसानों को तो खा लिया, अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे। बच्ची खुची ये ले तो हम लोग किसान के साथ हैं और किसानों के साथ रहेंगे। नहीं तो और क्या कारण है कि इस बार योगी जी की सरकार नहीं बननी है? नहीं बननी, हम लोगों से तो नहीं बननी, किसान भाई से नहीं बननी है। अच्छा, हाँ, किसान भाई से नहीं बननी है। नहीं तो किसान ही भाई नाराज हैं या सभी लोग नाराज? सभी लोग नाराज है, गरीब आदमी नाराज है, भूखों मर रहा है, ठंडी मरा जा रहा है, क्या करे, ओढ़ना ओढ़ना है ना बिछोड़ना है। और जो ये फ्री खाद्यान्न योजना जो सरकार ने चलाई है, इसका क्या लाभ नहीं मिल रहा है क्या लोगों? नहीं, गवर्नमेंट के जो चलाए उसमें सब कोटेदार आधा ले लेते हो, आधा नहीं देते। गरीब आदमी 100 दफा लौट के आता कोटे पर से, तो क्या करेंगे हम। गरीब आदमी गरीब के साथ, किसान है किसान। और किसान अच्छा, गैस सिलेंडर भी फ्री है, उसके बारे में क्या? उसके बारे में कुछ, सिलेंडर घर में धरा, इतनी महंगी कहाँ से भरा लाई। गए तो सिलेंडर तुमने बांट दिया फ्री, झूठ बोल के। और अब गैस सिलेंडर के लिए मेरे पास पैसे नहीं, तो हम कहाँ से भरा लाई। बोलिए, अब आप ही बताइए। हाँ, सरकार बिजली का कनेक्शन भी फ्री दे रही है उसका? फ्री कनेक्शन तो फ्री दे रहे हैं, मगर घर का कनेक्शन काट के नीलामी कर रही है। अब पहले तो उसने फ्री दे दिया, आप पूछो कनेक्शन कटने देने में हर आदमी मर रहा है भैया। तो इसीलिए हम लोग गरीब आदमी और अपनी गरीबी किसान के साथ रहेंगे। तो अखिलेश यादव जी ही या फिर और भी कोई पार्टी और हो सकती है या केवल अखिलेश यादव? अखिलेश यादव मेरी नज़र में वो किसान के बेटा, हम भी किसान के बेटे हैं, तो हम वही के वही हम लोग बनाएंगे। जितना गरीब आदमी, किसान, गरीब मजदूर, हम लोग वही चाहते हैं। आपके किस गांव में रहते हैं आप? चिलौला। तो गांव की राजनीति किधर जा रही है, अखिलेश यादव की तरफ? अखिलेश यादव की तरफ। अच्छा, हाँ, हाथ उठवा लिया है मैं, कह के वोट तो बाद में पड़ेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। यार किसकी सरकार? भैया जी बुलवा लो। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार, इस बार किसकी सरकार बननी है? अखिलेश यादव की। क्या वजह है? वजह का विकास किया है, कंजरिया फार्म ये बना है, जो कैंसर अस्पताल, सब कुछ अस्पताल। मुलायम की सरकार में सिंचाई माप और चुंगी माप और अस्पताल का कर्जा माफ हो, 10,000 रुपया कर्जा माफ पहले किया था समाजवादी सरकार, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, कोई नया काम किया है बताइए? गैस सिलेंडर दिया है, बिजली का कनेक्शन दिया है, यहाँ से नहीं है, केंद्र सरकार से है। गैस सिलेंडर दिया फ्री, लेकिन गैस कितनी महंगाई है, फ्री तो दिया है।
और ये बिजली के कनेक्शन भी तो फ्री चल रहा है। हाँ, फ्री चल रहा है तो उसको भी कनेक्शन तो फ्री मिल रहा है। ये तो केंद्र सरकार की ही देन, इन्होंने क्या किया, तो केंद्र सरकार के इशारे पे अपना ये काम कर रहे हैं कि हम मोदी के मतलब हिसाब से मैं सरकार बना लूंगा। इन्होंने क्या किया है योगी मोदी सरकार ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया सरकार, कोरोना से जो आया इतनी बड़ी जंग में फ्री वैक्सीन दे रही है उसको क्या, अरे उसके उसकी आप तारीफ क्यों नहीं करते हैं। कोरोना ने तो खा लिया गरीबों को, हम लोग वोट बंद क्या है, सरकार कोरोना के लिए इंजेक्शन लगाने के एक एक लीटर कच्चा घानी का तेल भी तो दे रहे। आखिर ऐसे कौन सी कमजोरी आ गया जो योगी सरकार लगातार 10 साल राज करने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि आप किस तरह से बदलना चाहते हैं। बदलना इसलिए चाहते हैं सर कि अब आज योगी एक दिन दे देंगे ना तो हमको पूरी जिंदगी कौन कौन दे, तो अगर सरकार सस्ता और बढ़िया लगा तो हर आदमी गरीब खा कमा सकता है। योगी आज का काम पड़ा है वोट लेना, हम दे देंगे, कल अक्सर सिलेंडर दे देंगे, आज महंगाई कर देंगे, तो हम गरीब आज हम गरीबी हैं उसके साथ रहेंगे और अगले सरकार तो मरे को टीका तो लगा रहे हैं, वो मर गया उसी को टीका भैया, तो उनकी सरकार है जो हम लोग किसान है और किसान के साथ रहेंगे। बाकी आपने देखा कि जनता का वोट ये लगता है कि शायद सरकार को चेंज करने के लिए बदल रहा है, अब देखा जाएगा कि सरकार रहती है या बदलती है, लेकिन जो पल रहा है वो शायद अखिलेश की तरफ जो है भारी होता दिखाई दे रहा है, और अभी तो 2022 बहुत कम ही समय बचा है, आगे देखा जाएगा कि पल रहा किसकी ओर भारी आगे का होगा, लेकिन फिर भी जनता पूरे मूड में है राजनीति को बदल देगी। उसका कहना है कि अखिलेश को इस बार अखिलेश सरकार। हमारे साथ बने रहिए आप, मैं हूँ वासंत त्रिपाठी, जे एन एन न्यूज़, जय हिंद।